इस मूवी की स्टार्ट में हमें इजिप्ट को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को एक नया पिरामिड मिला होता है, जिसकी खोज हाल फिलहाल में ही हुई थी। उस पिरामिड की बनावट गीजा के बाकी तीन पिरामिडों से काफी अलग थी, क्योंकि उस पिरामिडों में सिर्फ तीन साइड्स ही थी, जबकि बाकी पिरामिडों में चार साइड्स हैं। वो पिरामिड रेत में काफी नीचे तक दफन होता है, इसी वजह से वर्कर रेत को हटाकर उस पिरामिड को बाहर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पर चार आर्कियोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं, जो कि इस रिसर्च को अंजाम दे रहे थे। उनकी इस टीम को डॉक्टर होल्डन लीड कर रहे थे। उस नए पिरामिड की सर्च होने से इजिप्ट के लोग काफी ज्यादा भड़क गए होते हैं, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस पिरामिड को बाहर लाया जाए, क्योंकि उनका ये मानना था कि इस पिरामिड पर कर्स हैं। अगर इस पिरामिड को रेत में दफन न किया गया तो पूरे इजिप्ट में अजीब सी बीमारी फैल जाएगी, जिससे इजिप्ट के काफी सारे लोग मारे जाएंगे। इधर उन रिसर्चर्स को पता लगता है कि ये पिरामिड रेत में काफी नीचे तक दफन है, यानी ये अंदर तक काफी ज्यादा फैला हुआ है, इसीलिए वो पिरामिड के आसपास से रेत को हटाने की बजाय खुद इजिप्ट के अंदर दाखिल होने का डिसाइड करते हैं। इससे इनका काफी सारा टाइम बचेगा, यानी इनका वक्त जाया नहीं जाएगा। काफी रिसर्च के बाद फाइनली इन्हें पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है, जिससे ये काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे ये वहाँ के वर्कर से अंदर जाने वाले रास्ते को ओपन करवा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो गेट ओपन होता है, अंदर से पॉइसनस गैस बाहर आ जाती है। वो शख्स उस गैस के कांटेक्ट में आ जाता है, जिस वजह से उस पॉइसनस गैस का असर होना शुरू हो गया होता है। इससे उस शख्स की बेहद ही दर्दनाक मौत हो जाती है। ये बात पूरे इजिप्ट में फैल जाती है, जिससे उन लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि इस बात पर बिलीव रखते थे कि अगर उस पिरामिड को ओपन किया गया तो सब कुछ तबाहो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट इस कर्स वाली बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, और वो अपनी रिसर्च को जारी रखने का ही डिसाइड करते हैं। उसी दौरान ही अमेरिकी सरकार का खास आदमी उन्हें आगाह करता है कि न चाहते हुए भी अब उन्हें इस रिसर्च को बंद करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा न किया गया तो इजिप्शियन मुल्क के साथ हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं, और बाद में वो फोर्सफुली इस रिसर्च को बंद करवा ही देंगे। इसीलिए बेहतर है कि आप लोग खुद ही इस रिसर्च को दरमियान में ही बंद कर दें। अब न चाहते हुए भी उन्हें उनकी बात माननी पड़ती है, और वो अब अपनी रिसर्च को दरमियान में ही छोड़कर वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन नोरा, जो कि डॉक्टर की बेटी होती है, वो इस रिसर्च को किसी भी सूरत में बंद नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि उसने अपना काफी सारा टाइम और एनर्जी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया होता है। इसीलिए वो लोग नासा का प्रोवाइड किया हुआ रोबो उस पिरामिड के अंदर दाखिल करने का डिसाइड करते हैं, ताकि ये उस पिरामिड की कुछ पिक्चर्स अपने साथ ले जा सकें। उसी दौरान ही इजिप्ट गवर्नमेंट का सोल्जर आ जाता है, जो कि इन लोगों को सेफली यहाँ से ले जाने वाला था। वो उस सोल्जर से दरख्वास्त करके उससे कुछ और वक्त मांगते हैं, जिस वजह से वो उनकी रिक्वेस्ट पर अग्री हो जाता है, और वो उन्हें कुछ और वक्त दे देता है, जिसके बाद ये लोग नासा का प्रोवाइड किया हुआ रोबो उस पिरामिड के अंदर दाखिल करा देते हैं। स्क्रीन पर वो सब कुछ देख रहे होते हैं कि वो पिरामिड वाकई बाकी पिरामिडों में से काफी ज्यादा अलग था, और इसके साथ ही उसकी वॉल पर काफी डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स भी बनी हुई थी। जब ये लोग उस रोबो को और अंदर दाखिल कराते हैं, तो उस रोबो पर कोई जीव अटैक करके उसे ब्रेक कर देता है, जिससे इनकी स्क्रीन पर विजुअल्स शो होना बंद हो जाते हैं। खैर, इसके बाद ये लोग वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इससे पहले ये उस रोबो को वापस लाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो रोबो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था, और ऊपर से उस रोबो को इन्हें नासा ने प्रोवाइड कराया था। बाद में वो ऑफिसर दोबारा से आ जाता है, और वो इस बार काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन वो लोग उसे काफी समझाते हैं, जिससे ये उन्हें कुछ वक्त और देने के लिए रेडी हो जाता है। बाद में ये सब लोग उस पिरामिड के अंदर दाखिल होकर जल्द से जल्द उस रोबो को लाने का कहते हैं, और इसके साथ ही ये अपने साथ वायर भी रखते हैं,
ताकि ये उस वायर की वजह से जल्द बाहर आ सकें, जिससे ये पिरामिड के अंदर गुम होने या रास्ते को भूलना अवॉइड कर सकते थे। बाद में ये लोग मास्क पहन लेते हैं और वो वायर को बाहर ही बांध देते हैं और दूसरे वायर को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। उस पिरामिड के अंदर इन्हें काफी सारी पेंटिंग्स नजर आती है और इसके साथ ही इन्हें ऊपर जाने वाला वे भी हैं, जिस वजह से ये बारी बारी करके उस वे के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें उस रोबो का टुकड़ा मिल जाता है, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो चारों तरफ उसकी बॉडी को ढूंढने लगते हैं। उसी दौरान ही नोरा के डैड यानी उस डॉक्टर को पता लगता है कि जिस वायर की हेल्प से इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल सकता था, वो वायर ही किसी ने दरमियान से अलैदा कर दिया है। इस बात से ये लोग काफी ज्यादा पैनिक होने लगते हैं, क्योंकि उस पिरामिड में काफी सारे वे थे और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि बाहर निकलने का कौन सा सही रास्ता है। बाद में वो एक ही दिखने वाले जैसे तीन रास्तों को देखते हैं और वो किसी एक रास्ते को चूज करके उसके अंदर जाने लगते हैं। उस रास्ते के काफी अंदर जाने के बाद भी उन्हें बाहर निकलने का कोई भी वे नजर नहीं आता है। इस बात से वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि वो पिरामिड के अंदर ही कहीं खो गए हैं। उसी दौरान ही उन्हें वहाँ पर उस रोबो की बॉडी मिल जाती है जो कि काफी बुरी कंडीशन में होती है। इससे पहले कि वो इस टॉपिक पर बात कर पाते, उससे पहले ही रोफ ब्रेक होने लगती हैं और जितने भी स्टोन्स यानी पत्थर होते हैं वो सब नीचे गिरने लगते हैं, जिससे जमीन ब्रेक हो जाती है और वो सब नीचे आकर गिरते हैं। सभी को काफी चोट आई होती है, लेकिन उनका एक साथी होता है जो कि उसी बड़े से स्टोन के नीचे ही दब गया था और उसे भी काफी सारी चोटें आई होती हैं। सारे लोग इस बात से काफी ज्यादा शॉक में होते हैं कि वो इस पिरामिड से सही सलामत कैसे निकल पाएंगे। बाद में काफी मुश्किलात के बाद फीमेल शख्स ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हैं। तभी उसी पल कैट के सरीके दिखने वाला एनिमल उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसे काफी ज्यादा चोटें आती है। उन आर्कियोलॉजिस्ट में से एक शख्स वॉल पर बनी हुई पेंटिंग्स और लिखे हुए वर्ड्स को रीड करने लगता है, जिससे उसे पता लगता है कि जिन लोगों ने इस पिरामिड को बनाया था उन्होंने साफ मना किया होता है कि इस दरवाजे को किसी भी सूरत में ओपन नहीं करना है, नहीं तो हर जगह तबाही और बर्बादी शुरू हो जाएगी। इन सब के बावजूद भी वो इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और वो उस डोर को ओपन कर देते हैं। बाद में ये सब आगे बढ़कर बाहर जाने वाले वे की सर्च करने लगते हैं। उसी दौरान ही उन्हें अपने साथी की शाउट करने की आवाज आने लगती है, इस वजह से वो भागकर वहाँ पर जाते हैं। लेकिन शॉकिंग बात होती है कि वहाँ पर उनका वो साथी मौजूद ही नहीं होता है, वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खून ही था। इस बात से सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि उन सबके अलावा भी कोई शख्स यहाँ पर मौजूद है जो कि उन सबको मारना चाहता है। उस अनजान शख्स की वजह से ये लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। बाद में डॉक्टर उन्हें शांत करता है, जिसके बाद ये एक टनल से होकर किसी तरह आगे बढ़ रहे होते हैं। उसी दरमियान ही वो कैट वहाँ आ जाती है जो कि उन पर अटैक करने वाली होती है। खैर, ये लोग टनल से बाहर आ जाते हैं और अब वहाँ पर वो सोल्जर भी आ गया होता है जो कि गन से अटैक्स करके उन कैट्स को मारने लगता है। ये सोल्जर उन लोगों को फॉलो करके ही यहाँ पर आया था, लेकिन जल्द ही वो कैट अटैक करके उस सोल्जर को अंदर ले जाता है और अब हमें पता लगता है कि असल में ये पिरामिड किसी और के लिए नहीं बल्कि एनुबिस नाम के गॉड को कैद करने के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि वो गॉड इंसानों को फिजूल ही मार देता था। उसकी इन्हीं हरकतों के चलते सभी गॉड ने उसे हेवन से बाहर कर दिया था और इंसानों ने उससे खुद को बचाने के लिए हमेशा के लिए उसे पिरामिड के अंदर कैद कर दिया था। उसी दौरान उनकी नज़र गॉड एनुबिस पर जाती है जो कि लोगों की बॉडी से उनके हार्ट को अलैदा करके उन्हें तराजू में तौलता था। जिस साइड हार्ट रखा होता था, अगर वो साइड नीचे हो जाती थी तो इसका मतलब ये था कि वो शख्स नेक नहीं है,
यानी वो शख्स अच्छा नहीं है। ये जानने के बाद एनुबिस उसके हार्ट को खा लेता था। दरअसल उसे एक प्योर हार्ट की तलाश होती है, यानी किसी ऐसे शख्स की जिसका दिल बिल्कुल साफ हो, क्योंकि उसी शख्स की वजह से ही उसका ये कर्ज खत्म हो सकता था, जिसके बाद ही वो यहाँ से आजाद होकर हेवन में वापस जा सकता था। एनुबिस उस शख्स की तलाश में एक एक करके सबको मार देता है। उन सब में सिर्फ नोरा ही एग्जिट डोर की सर्च कर लेती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा वीक हो गई थी कि वो वहीं पर ही गिर जाती हैं। उसी दौरान ही एक बच्चा उसकी हेल्प करने आता है, लेकिन एनुबिस उन दोनों को ही मार देता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।